अमरनाथ में बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत, करीब 40 से ज्यादा लोग लापता। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया खास प्लान, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। यूपी में द्रौपदी मुर्मू को मिला राजभार, राजा भैया और शिवपाल का समर्थन, विपक्ष बना यशवंत सिन्हा के लिए मुसीबत। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भड़के वरुण गांधी, बोले महिलाओं को दिखाया था धुएं से आजादी का सपना। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने हथियारों की गिरफ्तारी ना होने पर जताया दुख, बोले खराब सिस्टम की भेंट चढ़ गया बेटा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने के तहत हुई तबाही का मंजर सामने आया है। अब तक इस घटना में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो तस्वीरों में देखा जा रहा है किस तरह से बाढ़ आई है और अमरनाथ गुफा के करीब ये बाढ़ आई है, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 40 करीब लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में ये भयानक मंजर आप देख सकते हैं, किस तरह से बादल फटने के बाद तबाही आई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से तबाही आई है और लगातार पहाड़ों पे बादल फटने की खबर सामने आती रहती है, और इससे पहले जो बादल फटने की खबर सामने आई थी तो हमने काफी तबाही देखी थी, और इस बार जिस तरह से 16 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? ठीक है, अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में तीसरी बादल फटने की घटना है। इसके पहले अगर बात करें तो पिछले बारह वर्षो में 2010 से लेकर 2022 तक हम चर्चा करेंगे तो एक बार जुलाई 2010 में बादल फटा था, हालांकि उसमें भी बहाव हुआ था, पानी बहा था, पर किसी की जनहानि नहीं, कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई थी। इसके बाद दूसरी बादल फटने की घटना थी, ये आपकी 28 जुलाई 2021 की घटना थी, यानी पिछले साल की घटना थी, और इसमें भी बादल फटा था पर टेंट बहे थे, जनहानि वहां पर भी नहीं हुई थी। पर इस बार जो बादल फटा है और बादल फटने का जो बहाव हुआ है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पर कुछ लौटने वाले थे, कुछ जाने वाले थे अमरनाथ दर्शन के लिए, तो वहां पर जब बादल फटा है और इस बार जनहानि हुई है, और जब जनहानि होती है तो उसी से मामला संवेदनशील हो जाता है। और जनहानि की अगर बात करें तो लगभग 16 लोग यहाँ इनकी मृत्यु हो चुकी है, लगभग 40 लोग लापता है और लगभग 50 लोग अभी घायल है, और जो 40 लोग लापता है उनकी भी ये मान के चलिए कि उनकी भी बचने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो लापता हो गए हैं, पानी बह गए हैं या चट्टानों के नीचे हैं या पहाड़ के नीचे हैं, तो उनकी उम्मीद कभी मानी जाएगी। जी गौरव, शासन और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही, किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, वहां पर निर्देश फिलहाल ये जो वहाँ की जो दीपिका मोनिका गर्ग हैं, मोनिका शर्मा गर्ग हैं, उनका कहना ये है कि हमने सभी अधिकारियों को बोल दिया है और सारे अधिकारी वहां पर बाकायदा व्यवस्था के साथ लगे हुए हैं। सभी अधिकारियों को कह दिया गया है कि कोई अपना नंबर बंद नहीं करेगा, सारे नंबर चालू रहेंगे। इसके अलावा वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगाई दी गई है, और लगातार वहां पर वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि एक यानी अगले दिन तक ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाएगा और वहां पर जो व्यवस्था है उसको सुचारू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान शोभा ओझा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी का आतंकवादियों से नाता है और उदयपुर की घटना में हत्या का आरोपी मोहम्मद रियाज बीजेपी का कार्यकर्ता है, आखिर बीजेपी की सदस्यता उसे कैसे और क्यों मिली?
राशन गैस में लगी महंगाई की बेकाबू आग अब स्वास्थ्य सुविधाओं में भी लगने जा रही है। गोमती नगर स्थित लोहिया संस्थान के हॉस्पिटल ब्लॉक में आज से मुफ्त इलाज सुविधा बंद हो जाएगी। ओपीडी से लेकर भर्ती तक मरीजों को शुल्क चुकाना होगा। ओपीडी में ₹1 में बनने वाला पर्चा अब ₹100 में बनेगा। राहत की बात है कि इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह मुफ्त रहेंगी। कानपुर में दिल्ली हाईवे पर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से कई गांव परेशान हैं। इसके साथ ही जगह जगह पर फैले हुए कचरे से पूरे शहर में प्रदूषण फैल रहा है और शहर के लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। शहर में जब तेज हवा चलती है तो लोगों का जीना दूभर हो जाता है। हवा चलने पर चारों तरफ बदबू फैल जाती है। अब केवल कहने को क्लीन कानपुर और ग्रीन कानपुर रह गया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। कानपुर नगर निगम कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे वादे जो हैं पूरे नज़र फेल नज़र आते हैं। केवल कहने को देखा जाए तो कानपुर को केवल ग्रीन कानपुर और ग्रीन कानपुर का जो दावे ठोकी विभाग उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो विभाग के जो अधिकारी हैं वो पसीने लगाते हैं, जरा साफ नज़र आ रहे हैं। और जो कानपुर नगर में चौथे चतुर्थी कर्मचारी उनका साफ कहना है कि ऊपर उच्च अधिकारियों को साफ कहना है कि जो कूड़ा नहीं उठने लगा उसको वहीं जला दिया है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो कूड़ा है ये नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि इससे जो लोग स्वास्थ्य तक सुधार होता है इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं जो है लोग अस्थमा के पेशेंट बनते चले जा रहे हैं। और जो कानपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बावजूद जो कानपुर है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो फैक्ट्री और चिमनी का जो धुआं निकल रहा है वो धुआं जो भी हानिकारक लोगों के लिए है। पर देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये बड़ी लापरवाही नजर आ रही है विभाग की। और देखा जाए अपना कैमरा पर्सन जीतू यादव कहना चाहूँगा कि साफ साफ लोगों को दिखाए कि जो कूड़ा देखिए फैक्ट्री के बाहर जो पूरा कूड़ा है वो पूरी तरीके से चलता चला जा रहा है। और ये कूड़ा जो है पूरा जो है रात 2 बजे से लेकर के और सुबह जो है 6 बजे तक पूरा कूड़ा जलाया जाता है, जिससे कि लोग देख ना सके। पर देखा जाए कहीं ना कहीं आसपास के जो स्वास्थ्य जो आवास यहाँ पर बने हुए हैं उनका साफ कहना है कि जो जहाँ पर जो धुआं उठता है वो धुआं जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अमेठी में बिजली विभाग की वसूली का मामला सामने आया है, जहां 2017 में संपूर्ण भुगतान करने के बाद भी कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन करवाने के 5 साल बाद विभाग ने ₹64,000 का उपभोक्ता को फिर से बिल थमा दिया और अब बिजली कर्मचारी उपभोक्ता की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता दर दर भटकने को मजबूर है। हमने 2017 में अपना बिल जमा किया, टोटल बिल जमा कर दिया 2017 में ₹17,003 का जो ये है। उसके बाद पूरा बिल जमा करने के बाद मैंने पुनः उसको कटाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, कोई नहीं रहता है, घर में ताला बंद है, तो मैंने विद्युत विच्छेदन करवा दिया, अपना कनेक्शन कटवा दिया। कनेक्शन कटवाने की रसीद यह है जो जिससे कनेक्शन काट लिया गया 2017 में ही अगस्त में। काटने के बाद पुनः 5 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई बिल भी नहीं आया, ना मुझे को कोई सूचना दी गई, ना जानकारी, ना कोई बिल। अब 2000 तो हमारे होश उड़ गए। कई दिन तक तो हम परेशान रहे, भाग दौड़ गौरीगंज, अमेठी पावर हाउस, उसके बाद बेनीपुर, फिर घोराहा। क्या चाहते हैं आप? हमारी इच्छा यही है, हमारे चाहने की बात तो सिर्फ यही है कि ये जो बिल भेजा गया है ये फर्जी है, गलत ढंग से भेजा गया है, इसको निरस्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और जो मानसिक पीड़ा हुई है, जो परेशानी हुई है, वो तो मैं बर्दाश्त कर लूँ। तो भुगतान के बाद भी 64,000 का बिल आया है, जिसके बाद व्यक्ति परेशान हो गया है और पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कनेक्शन कटवाने के बाद भी बिल सामने आया है।
और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अमेठी से संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, पीड़ित का क्या कहना है, कनेक्शन कटवाने के कितने साल बाद अब उन्हें बिल मिला है और उन्होंने कहां इसकी शिकायत करी है? 2017 के बाद से मामला अब उभर के आया हुआ है। अमेठी जिले का विद्युत विभाग आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है जी। इसमें तरह तरह के खेल होते रहते हैं जिसके कारण विभाग की लोगों की जुबान पर चढ़ाव। ऐसा ही नहीं, एक नया कारनामा विभाग के द्वारा दिखाया गया है जिससे फिर से विद्युत विभाग चर्चा में विषय बना हुआ है जी। पीड़ित क्या मांग कर रहा है अरविंद इस मामले में? जी, आपको हम बता दें कि पीड़ित ने का कहना यह है कि इस संबंध की सही तरीके से जांच की जाए तथा जो मेरे ऊपर फर्जी पैसे का लेन देन का मामला है इसको कहीं न कहीं सही तरीके से देखा जाए और फालतू की वसूली हमसे ना की जाए जी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत कहां करवाई अरविंद? आपको बता दें कि पीड़ित ने जाकर के यहां जिला में SDO से लेकर जिला के उच्चाधिकृत अधिकारियों को तक सूचना दे दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अमेठी से हमारे साथ संवाददाता अरविंद जुड़े थे इस खबर पे। खबर औरैया से है जहां पर बकरीद का त्योहार आते ही प्रशासन चौकन्ना हो गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से इलाके में बराबर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बराबर गश्त कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, किसी भी तरीके की अफवाह न फैलाएं। इसके साथ ही मुश्किल पैदा ना हो इसके लिए भी लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज अतमस चिश्ती ने सभी से अपील की है कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, एक दूसरे का सहयोग करें, कहीं भी गंदगी ना करें, साफ सफाई से त्योहार को मनाएं। हमारा ये बहुत अजीम शान दिन जिसको हम ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं, इस मौके पर हम अपनी जानिब से जो मालिक निसाब होते हैं कुर्बानियाँ पेश करते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमामी मुसलमान भाइयों से कि इस ईद उल अज़हा के मौके पर अमन शांति के साथ कुर्बानियाँ पेश करें और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि आप चौक चौराहे पर गंदगी फैला दें और जो उसके जानवर की जो फजलात निकलते हैं उसको रोड पर ना फेंकें, बल्कि सफाई सुथराई के ज़रिए कुर्बानी को अंजाम दें ताकि हमारा जो मज़हब इस्लाम हमें सफाई का हुक्म देता है उस पर भी अमल हो जाए और हमें उसमें एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है कि हम इसमें एक दूसरे का साथ दें ताकि हमारे। खबर फरीदाबाद से है जहां पर कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद अब शिव भक्तों में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। इस बार कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इसी को लेकर के दिल्ली से फरीदाबाद में भी पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा और उनसे जुड़े हर मुद्दे पर पैनी नजर रखी हुई है ताकि कांवड़ियों के साथ साथ आम लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा के लिए फरीदाबाद पुलिस के 2500 पुलिस के जवान दिन रात तैनात रहेंगे और CCTV के साथ सभी कावड़ियों के साथ साथ उनके शिविरों पर भी निगरानी रखी जाएगी। आपको विदित है कि पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा कोरोना की वजह से स्थगित की गई थी और कावड़ यात्रा नहीं हो रही थी जो, लेकिन इस बार जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार और नीलकंठ से कावड़ यात्रा लाएंगे। जो ये जो कांवड़ यात्रा है, जैसा कि आपको पता है 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के बाद 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 14 जुलाई से स्टार्ट होकर और 26 जुलाई को जलाभिषेक होगा उसका। तो ये फरीदाबाद में ये कांवड़ यात्रा है, इसके 7 प्रमुख मार्ग हैं जिसमें से जो NH2 है और आउटर बाईपास रोड है और नहर पार रोड है। अब की बार जो आउटर बाईपास रोड है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कार्य जारी है जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा मुश्किल की परिस्थितियाँ हैं, जिसमें DCP सेंट्रल साहब, पुलिस आयुक्त साहब के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं इसमें कि भाई इसको कैसे समाधान किया जाए कि कावड़ की जो यात्राएँ हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें, आमजन जो दिन कूलर वगैरह और साथ ही काफ़ी जो हमारे जो शिव भक्त हैं पैदल चल के भी आते हैं, ज़्यादातर संख्या उन्हीं की होती है, उसमें काफ़ी
कई बार बीमार होते हैं या कुछ पैरों में छाले हो जाते हैं, उनके लिए संबंधित एरियाज के जो भी मेडिकल टीम भी उनके लिए रहेगी और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे हमारा मतलब फायर ब्रिगेड। हरदोई में सपा जिला अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर दो नेताओं में युद्ध छिड़ गया। प्रभारी जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू को कुर्सी से भगाकर कुलदीप यादव ने जिला अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर और सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है। इस मारपीट के होने के बाद से सपा के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तो मैं एक सच्चा सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का, आवाज़ करने में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जो समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। कार्यकारिणी तो भंग हो चुकी है जी, अब फिर आप विराजमान है कुर्सी पर, अभी तो कोई अध्यक्ष तो नियुक्त हुआ नहीं है। तो हमें पार्टी तो चलानी है, अगर पार्टी नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो पूर्व में जो जिलाध्यक्ष थे जो उनका आरोप है कि हमें मारपीट कर भगा दिया, क्या है? तो मारपीट में कहीं चोटें लगी आई होंगी, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या आरोप लगाएंगे जिसके कीचड़ से हाथ छने सने हो, कितने हैं वो खुद है। गोंडा में सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त हाउस के छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने और हरियाली को बढ़ाने का प्रण लिया है। और विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, जिससे स्वास्थ्य समाज की परिकल्पना पूर्ण हो सके। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन विशेष दिवस पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि हमेशा किया जाना चाहिए। पहले तो मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर परमिंदर संधू जो स्कूल की प्रिंसिपल ज्वाइन मैंने किया जस्ट, तो वृक्षों को लेकर और वृक्षों की क्या महत्वता होती है ये हम लोग बच्चों को सब समाज को बताना चाह रहे थे। पहले तो मैं बताऊं कि वृक्षों के लिए कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता है, कोई साल नहीं होता, महीना नहीं होता है, तो 12 महीने हमारे काम होते हैं। उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, बच्चों को ये समझाना ज़रूरी था। उसी के क्रम में जो ये सारा हफ्ता चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है, वृक्षों को लगाना, हरियाली को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाना, पॉल्यूशन को घटाना, उसी को संदर्भ में रखते हुए बच्चों को आज थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से जो छोटी कोशिश कर सकती थी बताया कि कैसे पेड़ को लगाना है, उनको बचाना है, उनकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में, पूरे यूनिवर्स के जीवन में। सोनभद्र में नगर क्षेत्राधिकारी और कस्बा रॉबर्ट्सगंज पिपरी द्वारा रेडकूट में जनपदीय पुलिस के समस्त थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त किया। इस दौरान सड़क किनारे अस्थाई अतिक्रमण के संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को आश्वासक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई और यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। हरदोई में राधारमण बिहारी मंदिर की तरफ से गांधी भवन में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विनिमा सिंह जिला कार्यकर्ता प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा ने श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया। इसके साथ ही इस्कॉन के भक्तों ने शहर में नगर संकीर्तन भी निकाला, जिसमें अपरी में श्याम दास प्रभु ने इस्कॉन मंदिर बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि विनिमा सिंह ने अपने पिता की 22वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुज महेंद्र, काशीनाथ सोमनाथ सराफ, उमेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रेमावती, पीके वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत, डॉक्टर गोपाल अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे लखनऊ के अध्यक्ष और इटावा के अध्यक्ष हमारे श्री परिमय दास जी हमारे साथ सानिध्य में है और आपके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज उन्हीं के तत्वाधान में गीता सेमिनार होने जा रहा है और गीता के ऐसे बहुत ही गूढ़ तत्व हैं जो हम अपने जीवन में कभी समझ ही नहीं पाते हैं, वो आपके मुखारबिंदु से आज हमें समझने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के आज पूरे विश्व में 900 से अधिक मंदिर हैं।
उसी क्रम में हम लोगों के प्रदेश का गौरव लखनऊ में सुशांत धोल सिटी अंसल इस्कॉन टेम्पल जो कि 5 एकड़ में 100 करोड़ का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और हमारा प्रयास है कि लखनऊ मंडल के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में भी कृष्ण भावना मत का प्रचार हो। हरदोई में कछाना थाना क्षेत्र के ग्राम नेहरा हरदेवन खेड़ा में अपनी मौसी की शादी में शामिल होने आई 12 साल की लड़की का अपहरण हो गया। लड़की के पिता आश्रय राम ने कलौली गांव के हिमांशु के खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आसाराम निवासी गौसगंज थाना कासिमपुर ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी बेटी अपनी मौसी की शादी में थाना कछौना क्षेत्र के ग्राम नेहरा हरदेवन खेड़ा में गई थी। वहाँ से ही गांव कलौली का एक लड़का है हिमांशु जो उसको बलापुर आकर ले गया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली पुलिस ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। शीघ्र ही अपहृता को बरामद। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।